नमस्कार, जुम मीडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जुमगर। दोस्तों, आज हमारे बीच मौजूद हैं हमारे 20th लिकावली कॉन्स्टिट्यूएंसी के ऑनरेबल MLA श्री कार्दोनी दियोर जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है और साथ ही साथ धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल के हमें दी। थैंक यू वेरी मच सर। सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपकी पॉलिटिकल करियर की शुरुआत कब और कैसे हुई। सुना है कि सर, आप स्कूल लेवल से ही काफ़ी एक्टिव थे। आप अंचल भी बने, आप जिला परिषद में मेंबर भी बने और आप अभी विधायक भी हैं। तो सर, बॉटम लेवल से लेके टॉप लेवल तक आप आते आते आपने कई उतार चढ़ाव देखे होंगे, तो इस दौरान सर आपने अपने पॉलिटिकल करियर को किस तरह से मजबूत किया? एक्चुअली मैं नौकरी करता था एक ज़माने में, तो मेरा एक दोस्त जो फॉर्मर मिनिस्टर आपका हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जमदे कैना साहब, हम दोनों बचपन का दोस्त था स्टूडेंट पीरियड। तो इन्होंने बोला है कि चलो गेंसी में बहुत कुछ काम है, उसको करेगा। मेरा बहुत ऐसा इंटरेस्ट नहीं था कि काम करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मैं नौकरी करके बस अपना गुजारा करे, बहुत खुश था। लेकिन इनका बुलावे पे मैं गेंसी आया और काम करना शुरू किया, तो बहुत कुछ देखा है, तो नौकरी से यही रास्ता ठीक है। तो उसी दौरान मैंने नौकरी को इस्तीफा दिया और गेंसी में बैठना शुरू किया। वहाँ बैठ करके मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि मैं पॉलिटिक्स में जाएगा, लेकिन हालात ऐसा होते होते गया है कि दीतेन बस्ती का लोग बोला है कि अभी तो आपका पास कोई नौकरी भी नहीं है, अब तो पब्लिक है, अब ग्राम पंचायत मेंबर बनो। तो मैंने 5 साल के लिए ग्राम पंचायत मेंबर बना। उसका बाद में फिर 2003 में पंचायत इलेक्शन फिर रिवाइव होकर के, तो ये आपका 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो पंचायत का, उसको लागू करके 2003 में शुरू किया था। तो उसमें मुझे ZPM के लिए प्रोजेक्ट किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वुमेन रिजर्वेशन में वो सीट गेंसी अंचल समिति जो है वुमेन रिजर्वेशन भी चला गया। तो फिर मेरा मिसेज को पब्लिक जनता बोले कि आपका मिसेज को ही लड़ने देना है, लेकिन हम लोग वहाँ में पारास मतलब डिफीट हुआ, 21 वोट का डिफरेंस था। तो उसका बाद फिर हम लोगों ने जो सोशल सर्विस करना, जो पब्लिक आम जनता के लिए आम जनता को मदद करना, और हमारा वहाँ जो भी ओकेजन होता है उसका प्रेसिडेंट सेक्रेटरी बनना, फिर हम लोग का जो उस जमाना में कांग्रेस का दबदबा था देश में, तो उसमें कांग्रेस का हर पोर्टफोलियो में मैंने बैठा। तो फिर 2009 का जो पंचायत चुनाव आया, तो मुझे अंचल समिति मेंबर का टिकट दिया गया, मैंने लड़ा और जीता, और फिर मुझे तेनगंसी अंचल समिति का अध्यक्ष चुना गया था। फिर 2013 में उसका टेन्योर खत्म था, तो 2013 में मुझे फिर ZPM का टिकट दिया गया और मैंने लड़ा, फिर जीता। और 2017 तक हमारा कार्यकाल 2018 को खत्म होना था, लेकिन 17 को अनफॉर्चुनेटली हमारा कैना साहब का देहांत हुआ। तो लोगों का कहना था कि आप ही एक प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट है कैना साहब का, बाद में आप विधायक के लिए लड़ने से ठीक है। तो पार्टी ने भी उस हिसाब से, उस जमाना का रूलिंग BJP था, भाजपा था, भाजपा ने मुझे टिकट दिया और मैं लड़ाए तो फिर जीता। और उसमें 1 साल का करीब कार्यकाल मैंने विधायक का कार्यकाल का काम किया। उस समय में बहुत काम किया, उस पीरियड में बहुत कुछ स्कीम लाया। फिर 19 में जनरल असेंबली इलेक्शन, जनरल इलेक्शन का साथ में असेंबली या सिमल्टेनियस होता है हमारे स्टेट में, तो मैंने बहुत एक्सपेक्ट किया था कि मुझे भाजपा का टिकट मिलेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या कारण से मुझे टिकट को डिनाई किया आज तक मुझे पता नहीं, तो टिकट मुझे नहीं दिया गया। तो लोगों का कहना था कि अरे आपका इतना मतलब पब्लिक का समर्थन है, आपने शॉर्ट पीरियड में
एक साल का अंतराल में इतना काम किया, उसका लोगों का एक रेसिप्रोकेशन जरूर होगा। तो मैंने नॉमिनेशन भरा, देखा है तो जन सलाव जो हम उसको बोलेगा, मतलब एक ह्यूमन का एक फ्लड, इतना लोगों का एक रिस्पॉन्स, उसको देख करके मैंने फील्ड में उतर गया और पीपी टिकट से मैं फिर चुनाव जीता, फिर विधायक बना। उसका बाद फिर भाजपा को मैं बोला, मैं तो भाजपा का सिपाही हूँ, मैं जी तो नरेंद्र मोदी का एक फेवरेट हूँ, वो मेरा एक फेवरेट एक प्राइम मिनिस्टर है, और मैं पेमा खांडू का एक अच्छा खासा एक समर्थक हूँ, जी जी तो मैं पार्टी में बना रहना चाहता हूँ। पीपीए तो मैं मजबूरी में ले आता, तो पार्टी ने रेस्पॉन्स किया, ठीक है आपका तो कोई गलती नहीं, गलती हमारा पार्टी का है, आपको टिकट सिटिंग एमएलए को टिकट नहीं दिया, आप जीत के आया और आप पार्टी में रीज्वाइन करने का हक बनता है। तो मैंने फिर पार्टी में ज्वाइन किया, आज भाजपा का एमएलए हूँ, ये मेरा जिंदगी का एक पॉलिटिकल हिस्ट्री था। बहुत बहुत बढ़िया सर। सर अगला सवाल आपसे हम जानना चाहेंगे, 2017 के बाय इलेक्शन की जीत के बाद 2019 में आपने लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की, तो सर इस बार आपको क्या लगता है कि इस बार भी आपकी स्थिति ऐसी ही मजबूत रहेगी या इस बार कड़ी टक्कर मिलने की उम्मीद है? 2017 में तो बाई इलेक्शन था, वहाँ पार्टी का टिकट मिला था और पार्टी सारा हमको, हमारा स्टेट लेवल का कार्यकर्ता, महिला से लेकर के युवा से लेकर के सब हुआ, मेरा हुआ गया था और पार्टी से बहुत मदद मिला और इलेक्शन जीता। 19 में मुझे थोड़ा संघर्ष करना पड़ा क्योंकि अकेला लड़ा इलेक्शन, जी क्योंकि एक अगेंस्ट द करंट लड़ना थोड़ा सा तकलीफ होता है, क्योंकि हम लोग एक रूलिंग जो भाजपा कैंडिडेट का साथ लड़ा है, जी उसमें हमको बहुत संघर्ष करना पड़ा और लोगों का, मैं सब हमारा लिखा बोली 20 लिखा बोली का वासियों को धन्यवाद देता हूँ कि जी लोगों ने मुझे विदाउट एनी कंडीशन सपोर्ट किया, मुझे चुनाव जिताया। उसके बाद मैं जो अपना ये 5 साल का जो आपका कार्यकाल में, और तो 5 साल कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन अभी 4 साल कुछ महीने हुआ आज तक, मैंने बहुत काम किया, लोगों को मदद किया और बहुत स्कीम लाया, और हमको अपना भाजपा का जो स्टेट लेवल का पार्टी जो कार्यकर्ता लोग हैं, हमारा प्रेसिडेंट से लेकर के स्टेट ऑफिस भी आ रहा था, सब मुझे अच्छा लगता है। और मुझे ये हमारा पेमा खांडू साहब तो एक अपना एक भाई, मतलब अपना एक भैया जैसा समझता है, क्योंकि हम एक सीधा साधा एक कमिटेड आदमी है, जो बोलता है उसे करता है, जो देखता है उसे करता है। और किरण जी भी समझ गया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में किसका लीडरशिप कितना मजबूत है और लोग किसको सपोर्ट करता है, उस हिसाब से किरण साहब, मैंने उस दिन डिस्कस किया तो इज़ वेरी मच पॉजिटिव। एंड ये जो है लास्ट टाइम में जो हम लोग का टिकट में थोड़ा सा फरवरी हो गया था, क्योंकि उसमें नया और पुराना का क्वेश्चन था, कोई नया आया है ज्वाइन किया है आप लोग, फिर उसमें पुराना पार्टी था, अभी वो इश्यू बिल्कुल ख़त्म हो गया, सब एक समान है, हम लोग मेरिट को देख के, विनेबिलिटी को देख करके हम लोग टिकट को देगा। तो अभी देखा गया तो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैं किसी को नहीं बुलाता है ज्वाइनिंग के जी लिए, लेकिन लोग का एक अपना एक इंटरेस्ट है कि इस बार भी 2024 में अपना जो मौजूदा विधायक को, यानी कि मुझे तीसरा बार एमएलए बनाने के लिए सबका एक 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 अलग से एक इंटरेस्ट है, जी एक अलग से एक लोग का एक सोच है। जनता के विश्वास है आपके ऊपर। हाँ, मतलब विश्वास, मतलब ये इस बार जैसा हमको जिंदगी में कभी समर्थन में मिला नहीं और आगे में भी नहीं मिलेगा।
आप देखिए, गेंसी जैसे जगह में लास्ट टाइम मुझे 218 का लगभग लीड हुआ था। अभी वहाँ में कोई कोई बस्ती ऐसा पोलिंग स्टेशन हो गया कि आपका 100%। और कांको जैसे जगह में देखिए, बस्ती का बस्ती पूरा 100%। मैं आपको गिन के बता सकता हूँ, जैसे कांको से लेकर के, कांको 100% है, बालीसुरी 100% है, सिलोनी 100% है, रिचिरित 100% है, तौराजान रात 100%, गर्मी 100%, हिमे 100% है, फिर आपका सुगुम 100% है, चंपाक्चोजो में एक फैमिली सिर्फ बाहर है, बाकी सब मरान हम लोग को समर्थन कर रहा है। और अभी हमारा कामचाम भी 100% होने जा रहा है। लिकावली में दीपा जैसा बहुत एक बड़ा बस्ती जिसको हम कैंबस नहीं कर सकते, कुछ डिसाइड करता है, क्योंकि वहाँ सब सेल्फ डिपेंडेंट है और वहाँ पढ़ा लिखा ऑफिसर बहुत है। ऐसा जगह में मुझे आज का दिन तक 80% समर्थन कर रहा है। आपका कुंतोर जैसा जगह, उसमें 3-4 फैमिली को छोड़ कर सारा ज्वाइन कर लिया जो मेरा पास नहीं था। और मग बोस्ती 100% है, कान है 100% है, और जीपू बोस्ती 100% है। गोगार में देखिए सिर्फ 2 परिवार आज का दिन तक नहीं है, वो भी आ जाएगा, डिस्कशन हो रहा है। और मालनी बस्ती में 3 घर जैसा बाहर है, सारा पूरा मेरा पास है। अब देखिए लिपू जैसा जगह, अब खुद लिपू का आदमी, वहाँ कौन बाहर में है? 1-2 फैमिली शायद मेरे ख्याल से नहीं है, सारा पूरा मेरे पास ज्वाइन कर लिया। लिरू में ऐसा है, आपका लिका में ऐसा है, बाली में भी अभी ज्वाइनिंग शुरू होगा, वहाँ में हम लोग डिस्कशन हो रहा है। जो पहले मेरा साथ था वो है, और उसको छोड़ के वहाँ में आपका आज तक मेरे ख्याल से 15 फैमिली जैसे ज्वाइन किया, और भी ज्वाइन करना बाकी है। मतलब पंचायत में आप बोल के देखिए, हमारा वहाँ में 4 ZPM है, 4 ZPM में 3 ZPM विथ ZPC मुझे सपोर्ट कर रहा है। उसका बाद हम ऐसा कैलकुलेशन करके देखा था, हमारा 28 लिकावली में जितना भी ग्राम 4% है, उसमें से आज का दिन तक 2 आदमी हमारा पास नहीं है, बाकी 98% हमारे साथ है। और वहाँ का जितना भी प्रोमिनेंट आपका लीडर बोलिए, जैसे जो लास्ट टाइम कॉन्ट्रेस्ट किया था मोदम दिने सार जो है, बाई इलेक्शन में कांग्रेस से लड़ा था, इन्होंने ज्वाइन कर लिया। मेमर जो 2019 में कांग्रेस कैंडिडेट था वो ज्वाइन कर लिया। और सेंगो ताइपोदिया जी, वो इंडिपेंडेंट से लड़ा था, वो मेरा साथ काम कर रहा है। और भी कॉन्टेस्टेंट अभी तो ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं हुआ, उसका मैं नाम नहीं लूँगा, सब पाइपलाइन में, सब ज्वाइन करने के लिए वो लोग भी तैयार है। क्योंकि वो लोग बोलता है कि हम लोग अलग होकर के जिस काम को करना था उसे डबल गुना आप काम कर रहे हैं, तो हम लोग लीडर बनने का क्या जरूरी है कि आपको सपोर्ट करके हम अपने क्षेत्र को विकास करना है, डेवलप करना है, लोग का एक सोच है। इस बार तो मुझे एकदम ऐसा थम्पिंग मेजोरिटी होगा, मेरे ख्याल आन अपोज भी हो सकता है, क्योंकि बाकी जो कैंडिडेट जो लड़ेगा बोलने का रेस्पॉन्स पब्लिक से नहीं है, तो वो किस चीज़ का लड़ेगा? पब्लिक तो कोई कोई लीडर तो बोलेगा हम लड़ेगा, अपना सर्वे करेगा, लोग को मोबिलाइज करके देखेगा, लेकिन जब पब्लिक का, पीपल का रेस्पॉन्स नहीं होने से लीडर तो कभी नहीं लड़ेगा। क्योंकि अब बिना मेजोरिटी से इलेक्शन जीतना बहुत तकलीफ है, और 100 आदमी आप दूसरा पार्टी से निकालना बहुत ही अरुणाचल जैसा जगह में ये कोई पॉसिबल नहीं होता है। क्योंकि हमारा यहाँ तो गिना चुना आदमी होता है, एक घर में कितना आदमी है, वो आदमी कहाँ रहता है सबको पता है। तो मेरे ख्याल इस बार पार्टी अगर टिकट मुझे दे देता है तो हमारा हुआ अनुपोज होना तो एकदम निश्चिंत है, मैं ये विश्वास करता हूँ। और 24 का चुनाव जो है मेरे लिए बहुत एक ईजी है, ईजी इसलिए है कि लोगों का एक बहुत अच्छा सपोर्ट है और लोगों का एक विश्वास है मेरा ऊपर में, क्योंकि मैं एक सीधा साधा आदमी हूँ, मैं एक कॉमिटेड आदमी हूँ,
मैं दूसरा का जैसा बिजनेस ऐसा करेगा, ये क्या बोलता है, एमएलए बन करके हम बिजनेस में इसको ट्रेडिंग लाइसेंस का जैसा एमएलए को यूज़ करेगा, ऐसा मेरा बिल्कुल नहीं है। ये हमारा लिखावली का वासियों ने ये मेरा 6 साल में सारा ऑब्जर्व कर लिया, मेरा एशियर ये लोग देख लिया। अभी वो लोग सिर्फ इलेक्शन आने के लिए रुका है, अगर इलेक्शन आ जाता है तो हम लोग कोई इतना मतलब मेहनत करने का कोई ज़रूरी नहीं, जी जी 24 बहुत ईजी है मेरे लिए। सर, अगला सवाल आपके लिए ये है कि सर, एज एन एमएलए, बतौर एमएलए 28 लिखावली कॉन्स्टिट्यूएंसी के आपके 7 साल हो रहे हैं, तो इन 7 सालों में आपने कौन कौन से स्कीम लाए, कितना काम हुआ और कितना बाकी है? ये 7 ईयर्स का दौरान, 7 ईयर्स का कार्यकाल में मैंने बहुत कुछ काम किया। एक है कि हमारा फुटहिल में एक बड़ा हर्डल्स था, वो था फुटहिल के अंदर से एक रास्ता हम लोग को बनाना था। उसको 2018 में ही मैं सेंक्शन करा के उसको 19 में टेंडर करके अभी बाली से लेकर के कांको तक तो वो 61 किलोमीटर का लगभग है, वो अभी रास्ता कंप्लीट हो गया। अभी वो मोथरेबुल होकर के वहाँ से आदमी आना जाना कर रहे हैं। दूसरा है कि लिखावली से कुंतर तक तो PMGSY का स्टेज 1 काम करके रखा था, तो मेरा पीरियड में स्टेज 2 हो गया। फिर उसको कंटिन्यू करके अभी कुंतर तक तो हमारा लिखावली से रास्ता तुरू था, लेकिन फिर द्वेपा जाने के लिए हमको दो एकदम बड़ा बड़ा नदी है, एक कोमो बोलता है, एक दूसरा का नाम मैं भूल गया हूँ। तो उसको द्वेपा तक तो कनेक्ट करने के लिए हमारा लिए एक बहुत एक एक, एक चुनौती था। मैंने उसको PMGSY में फिर प्रपोजल डाला, इस बार PMGSY 3 में ज़्यादा दिन नहीं हुआ सेंक्शन किया वाला, आपका जुलाई का लास्ट वीक में सेंक्शन हुआ। अभी वो भी टेंडर होगा, काम करेगा, तो हम दीपा से लेकर के दुरुपाई जो हमारा लास्ट कामले डिस्ट्रिक्ट का साथ बाउंड्री शेयरिंग करता है, वहाँ तक तो हम विद इन द अपना कॉन्स्टिट्यूंसी में जाने लायक मैंने सेंक्शन कराया और काम हुआ। उसका बाद में मालीथान टेम्पल जो एक बहुत डेलापेटेड कंडीशन में था, तो लेकिन ये बहुत एक फेमस वाला है, वो मतलब आपका इंडिया में तो पूरा जानता है, ये श्री कृष्ण का टूरिस्ट सर्किट में भी आता है, लॉर्ड श्री कृष्ण का साथ इससे जुड़ा है। तो देखा है तो SPT बिल्डिंग में ही मंदिर को स्थापित करके रखा था, तो मैंने स्टेट गवर्नमेंट को अप्रोच किया, मल्ली थान को अगर हम डेवलप करते हैं तो हमारा लिकावली का इकोनॉमिक ऑटोमेटिकली बूस्ट होगा, ये एक टूरिस्ट का एक डेस्टिनेशन बनेगा। ये बात अलग है कि हम लोग हिंदू नहीं हैं, लेकिन जो हिंदू पिलग्रिमेज है वहाँ से आकर के हमें पैसा दे कर चला जाएगा, पैसा डायरेक्टली देगा ऐसा नहीं है, एक तो हम लोग एक वो एंट्री फीस लेता है, वो बात अलग है। दूसरा ये है कि हमारा ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर लुक्स का बेनिफिट होगा, जो होम स्टे बना कर रखा है उसका यूटिलिटी यूज़फुल होगा, जो होटल बना कर रखा उसका यूज़ होगा, उसका बाद में जो रेस्टोरेंट बनाया उसका चलेगा, और जो हम लोकल प्रोडक्ट करेंगे, जो जो हमारा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होता है, जो किचन गार्डन है, जो बनाना गार्डन होगा, सारा उसी में कंज्यूम होता है, तो हमारा लिए एक इकोनॉमिक बोस्ट करने का एक अपॉर्चुनिटी है। मैं इसको देख करके स्टेट गवर्नमेंट को अप्रोच किया, स्टेट गवर्नमेंट मेरा रिक्वेस्ट को, मेरा दरखास्त को ये लोग स्वीकार किया, और हमें अराउंड 7 करोड़ पैसा दिया। तो उस 7 करोड़ को हम लोग एक मल्ली विकास परिषद करके एक ट्रस्ट बना के ट्रस्ट का थ्रू हम लोग ये काम को एग्जीक्यूट किया। अभी लिकावली ने वर्ल्ड क्लास एक मंदिर बना दिया, डेली हमारा वहाँ में एंट्री फीस इन एन एवरेज में हम लोग 7,000 का एंट्री फीस में ही हम लोग को ये रिवेन्यू मिलता है। उसका बाद फिर ये मालनी ग्राउंड जहाँ में मेला होता है मंदिर का नीचे में, एक हम लोग का पहले से एक जगह था,
तो उसको डेवलप करने के लिए, इसको सिक्योर करने के लिए हम लोगों ने कहना साहब के समय में बहुत कोशिश किया, लेकिन असम से ऑब्जेक्शन था कि ये हमारा ज्यूरिडिक्शन में आता है, आप उसमें परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं करना है, स्टेटस को एरिया में आता है, आप स्टेटस को मेंटेन करना है करके हमारा सारा जो ये जो मटेरियल्स है उसको सीज करके ये लोग लेकर चला जाता था। तो उसको लेकर के और असम अरुणाचल पीएनजी एसवाई जहाँ में बन रहा था वहाँ में भी असम का ऑब्जेक्शन था, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, पुलिस का, वहाँ का, लोकल वासियों का। तो ये सब लेकर के मैंने गुवाहाटी चला गया, न्यामर कारबाक साहब को साथ में ले गया, सार और असम सीएम हेमंत दा का अच्छा जान पहचान है, तो हम दोनों वहाँ चला गया और सार को मिला, तो सर बहुत ही पॉजिटिव था असम सीएम। मैंने बताया देखिए यहाँ में सर हम लोग पीएमजी एसवाई स्कीम का प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, लेकिन असम से ऑब्जेक्शन है, कॉन्ट्रेक्टर हम पर हो रहा है, कॉन्ट्रेक्टर का सारा मशीनरी सर के बैठा है। दूसरा है कि यहाँ में मालनी ग्राउंड को हम लोग बनाना चाहता है लेकिन आपका तरफ से बनाने नहीं दे रहा है। तीसरा है कि यहाँ आपका असम बीएन का सामने में रास्ता को नहीं बनाने दे के वो रास्ता टूट के बैठा है। हम तीन एजेंडा को लेकर के चला गया था लास्ट फरवरी 2022 में। तो सार ने सारा माना है, बोला है कि पीएमजी एसवाई तो कोई किसी स्टेट का नहीं, ये भारत सरकार का स्कीम है, ये रास्ता बनाने से तो सब जाएगा, असम का और अरुणाचल का नहीं बोलेगा, सारा इंडियन और सारा जो जहाँ भी उस रास्ता का कमोटर से उनके लिए बेनिफिट होगा उसको बनाने देना है। तब से कोई ऑब्जेक्शन नहीं, अभी रास्ता बना के खत्म हो गया। उसके बाद जो मालनी ग्राउंड को हम लोग एक परमानेंट कंपाउंड वॉल बनाना था, वहाँ में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाना था, मैंने स्टेट गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया, मैं गुवाहाटी जा कर के असम सीएम को मिल के आया, असम सीएम बोला है कि वो आस्था का विषय है, एक रिलीजियस आपका वो प्लेस है, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं करना है करके वहाँ से एनओसी हमको मिल गया असम सीएम से। अपना सीएम को मैं बताया हूँ, सीएम साहब तुरंत हम लोगों को 2 करोड़ पैसा दिया, उसी 2 करोड़ से अभी कंपाउंड को हम लोग पूरा बना दिया और शॉपिंग शॉप काउंटर जो है इन नंबर्स में हम लोग 64 बनाया। तो ये सब मेरा पीरियड में अचीवमेंट हुआ। और दूसरा है कि टाउनशिप में मैं 10 करोड़ टाउनशिप, मतलब मेरा जो लिखा था 25 करोड़ था लिकावली टाउनशिप, उसमें लीपू लीरू सब अपर कॉलोनी इंक्लूड था, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट में थोड़ा सा पन का शायद हर जगह उसको देना है, डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं जुड़ा होगा, हम लोगों को 10 करोड़ का अप्रूवल दिया था, बाकी को बाद में करेगा पेज 2 में। तो 10 करोड़ में थोड़ा सा हम लोगों को, मुझे भी थोड़ा सा मतलब मैं खुश नहीं हुआ उस स्कीम को लेके, क्योंकि ये स्कीम हमारे लिए एक बहुत वाइटल स्कीम था, हम उसको पैसा नहीं देख करके काम को देख कर करना था। तो हम अपना ये लिकाबली कॉन्स्टिट्यूंसी का एक फार्म को हम लोगों ने डिसाइड किया था, इसी फार्म का अंदर में टेंडर को दे करके हम लोग अपना कंट्रोल में रख करके काम को कराएगा। टेंडर हो गया, डीडी एंटरप्राइज जो दापोदो के उसका प्रोपराइटर है, वो हमारा गेंसी का भी अभी ZPM है, तो सारा चीज़ हो गया। वर्क अवार्ड करने का स्टेज में हमारा वहाँ लिकावली का जो ओल्ड बीजेपी वर्कर्स, हम लोग तो पीपीए से आया ज्वाइन किया, वहाँ में ओल्ड पीपीए बीजेपी ग्रुप था, तो वो लोग टेंडर पार्टिसिपेट किया था, सक्सेस नहीं हुआ तो सीधा कोर्ट में चला गया, हाई कोर्ट में। वहाँ में हाई कोर्ट वाला छानबीन करके देखा है तो ये फार्म आदमी जो है अरुणाचल का है, लोअर सियांग का है, लेकिन फार्म इनका रजिस्टर किया असम में। तो डिस्ट्रिक्ट बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप एक्ट करके ताऊ तुकी साहब का चीफ मिनिस्टर समय में एक एक्ट बनाया, उसी एक्ट का अंतर्गत ये जो है असम रजिस्टर्ड फार्म जो है यहाँ में इलिजिबल नहीं होगा करके कोर्ट ने बोला रीटेंडर करो। जब रीटेंडर का ऑर्डर आ गया तो उसको 10 करोड़ है,
पहले तो विडन डिस्ट्रिक्ट था, जब रे तहदार का क्वेश्चन आता है तो ऑल अरुणाचल हो जाता है डिस्ट्रिक्ट बेस, तो ऑल अरुणाचल कर दिया तो सारा स्टेट से आना शुरू, तो ईटानगर बेस एक पाम टेंडर को मिला, वो लोएस्ट बिडर हुआ, तो बाद में वो भी वहाँ का लोकल आदमी को सबलेट कर दिया। तो जब काम करना शुरू किया तो फिर हमारा वो ओल्ड बीजेपी पार्टी, हमारा मुरली रिबा, इसमें रिगली तैपुदिया है और जॉन देनी है, उसका बाद में आपका एक बासार का एक जुमदाक बासार है, एक मीमार दिरची है जो हमारा माइनॉरिटी मोर्चा का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है। ये लोगों ने बोला है कि हम लोग को भी काम को, वर्क को शेयर करना पड़ेगा, अदरवाइज फिर हम लोग लिटिगेशन पे जाएगा। तो उस समय में तो बिल्कुल मेरा कंट्रोल में है नहीं, काम फार्म है ईटानगर का, साहब कॉन्ट्रैक्टर है, वो लिखा वो लिखा, वो लोग अपना बीच में डिस्कशन कर लिया, तो और लोग फिर साहब कॉन्ट्रैक्ट ने पुराना बीजेपी टीम को एग्रीमेंट किया, हम लोग तारती 70-30 रेशियो में काम को करेगा। ऐसा कर करके अभी देखा है तो कोई कोई पोर्शन में काम तो किया है लेकिन क्वालिटी में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज है, तो उस चीज़ को लेकर के अभी सोशल मीडिया में दुनिया भर का लिख रहा है, तो मैं क्या कर सकता, उसको तो फंड लेना मेरा रिस्पॉन्सिबल था, टेंडर करा के अपना कॉन्स्टिट्यूंसी, कोई अगर फार्म होता था तो मेरा कंट्रोल में रहना था, मैं बोलना था ये अपना जगह का काम है तुम अच्छा से करो, प्रॉफिट नहीं होने से भी पब्लिक इंटरेस्ट में काम करना है, लेकिन वो मेरा कंट्रोल से भी बाहर कर दिया, कोर्ट में चला गया, तो ऑल अरुणाचल हो गया, तो किसको क्या बोलेगा, वो तो ओपन कॉम्पिटिशन में इनको मिला है, वो मेरा बात कहाँ से मानेगा, मेरा हाथ बिल्कुल खत्म हो गया वहाँ। तो ऐसा करके अभी लोग बोलता है कि यहाँ में काम हुआ था लेकिन क्वालिटी नहीं है, तो क्वालिटी कब होगा, एक आदमी का साथ कंट्रोल होगा तो क्वालिटी होगा ना, वहाँ तो मैनी टू मैनी कॉन्टेक्ट सोर्स हो गया, तो उसी वजह से ये काम में थोड़ा सा हाफाजाट हुआ, लेकिन वहाँ पे हर मतलब सेक्टर में काम नहीं हुआ, एक स्पेसिफिक सेक्टर में काम हुआ, या पुलिस थाना से लेकर के स्कूल, तो उसको SIDF से बना चुका था इसलिए उसको ओमिट करके बाकी में काम हुआ। आदमी लोग हर समय उसी को दिखाता है कि आप लोग यहाँ से लेकर के वहाँ तो काम किया, ये सही नहीं है, फिर यहाँ मेडिकल का बगल से एक रास्ता जा करके आपका चिदू जी को ग्राउंड पहुँचता है, वो भी उसमें भी उसका कवर नहीं था क्योंकि वो SIDF से काम कर चुका, एक स्कीम था, बाकी वो स्कूल से लेकर हायर सेकेंडरी स्कूल से लेकर के वो रिमाथ ताइपुडिया मार करके एक रास्ता है वहाँ तक बनाया, और यहाँ से आपका हायर सेकेंडरी स्कूल से लेकर के लिरू लिरू स्कूल से होकर के फिर वो बैक साइड सोमिल का बगल से निकला, फिर ये रास्ता को कंटिन्यू करके चिदू चिगो से लेकर के उधर तक चला गया, ये पोर्शन को ये लोग देखता नहीं, सिर्फ जहाँ में आपका जो निश्चित स्कीम से कवर्ड नहीं था उसी को देख करके बोलता है आप लोग ने काम नहीं किया। तो कॉन्ट्रेक्टर को भी मैंने बोला है कि आप लोगों का बदनामी नहीं, ये हमारा निश्चित का जो प्लान का अंदर में नहीं है, ये अलग रूट था क्योंकि ये SIDF से 1 करोड़ पैसा से बना चुका वाला स्कीम है, तो ऐसा करके फिर अपर कॉलोनी था, अपर कॉलोनी में अभी फिर देखा है तो वहाँ में वॉल आधा नहीं बनाया, मैंने बोला है कि क्यों नहीं कंप्लीट किया, ये लोग बोलते हैं नहीं प्रोविज़न इतना ही था, बियॉन्ड प्रोविज़न हम लोग कैसे जाएगा, उसको कौन पैसा देगा, फिर जहाँ नहीं बनाया वहाँ स्लाइड आ गया, स्लाइड आया तो उसको क्लीन करते समय फिर वहाँ में आपका पोकलैंड JCB लगाया तो रास्ता बर्बाद हो गया, तो उसी को देख करके लोगों का एक नाराज़गी है, नाराज़गी होना भी मैं तो जायज़ ठहराता हूँ क्योंकि पब्लिक को तो कॉन्फिडेंट होना चाहिए, पब्लिक के लिए ये पैसा आता है, लेकिन मैं लोगों को इसी ये आपका माध्यम से, हमारा जूम डिजिटल का माध्यम से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, हमारा सेकेंड पेज जो पेज 2 है निश्चित में वो बचा हुआ है, उसमें 15 करोड़ का हम लोग प्रोविज़न रखा था, अभी मैंने उसको फिर 20 करोड़ कर दिया,
20 करोड़ करके मैं DC से फॉरवर्डिंग करा के अभी स्टेट गवर्नमेंट को दिया। कल भी मेरा चीफ सेक्रेटरी से बात हुआ था, चीफ सेक्रेटरी उसका चेयरमैन होता है निश्चित का स्कीम प्रायोरिटाइज करने के लिए। तो इन सार को बोला है कि सर ऐसा है, लिकावली एक वाटर लो लाइंग एरिया है, वाटर लॉगिंग एरिया है, इसमें बिटुमेनस जो हम लोग पेवमेंट बनाता है उसमें थोड़ा सा तकलीफ है, क्योंकि बिटुमेन को आपको पानी मिलने से बर्बाद होता है हर जगह, इटानगर देखिए सब ऐसा ही है। तो उसको दूसरा पेवमेंट हम लोग करने के लिए एक प्रोविज़न रखा है, करके वो प्रायोरिटी में सेंट्रल में चला जाता है। तो हम लोग किरण जी को बोलेगा सर हमारा लिकावली टाउनशिप का रोड जो है प्रायोरिटी में चला गया, आप उसको देखना। तो किरण जी तो वहाँ ज़रूर हम लोग हमारा लिए काम करता है। तो ये अगर सेकेंड फेज 20 करोड़ आता है तो हम लोग जहाँ में आपका मेंटेनेंस करना है, जहाँ कवर नहीं किया है, सारा चीज़ को कवर करके लिकावली मेरे ख्याल 24 का बाद में हम लोग एक अच्छा टाउनशिप रोड बनाने के लिए मैं एक सपना देखा हूँ और मेरे ख्याल से ये सक्सेस भी हो। जी, और उसको छोड़ के ये तो मोटा मोटी काम है। लिकावली में बहुत कुछ काम हुआ, जैसे आपका 3 करोड़ का ये बैडमिंटन डबल कोर्ट बैडमिंटन सेंक्शन कराया, उसका टेंडर हुआ, अभी काम चल रहा है। उसका बाद में आपका ये क्या बोलता है, लिकावली में एक हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, हम लोग लिकावली को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का दर्जा दिया। उसका बाद में फिर उसको इंफ्रास्ट्रक्चर तो चाहिए, अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बिल्डिंग का मैंने फाउंडेशन ले किया, अभी काम चल रहा है NEC से, मेरे ख्याल वो भी 1 साल का अंदर में कंप्लीट होगा। उसका बाद फिर आई मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से हम लोग 50 बेडेड आयुष का एक हॉस्पिटल, वो भी 15 करोड़ का लागत से। और ये हॉस्पिटल सिर्फ लिकावली का आदमी को बेनिफिट होगा ऐसा नहीं, पूरा ऑल अरुणाचल को वहाँ से घटाते हैं, क्योंकि अरुणाचल में आयुर्वेदिक हॉस्पिटल गिना चुना है। तो खास करके हमारा सियांग बेल्ट में तो यही एक हॉस्पिटल होगा। तो ये सारा चीज़ हमने स्टेट गवर्नमेंट को बोला, स्टेट गवर्नमेंट यहाँ से भेजा, वहाँ से हमारा किरण जी का मेहरबानी से सारा सेंक्शन हो करके अभी ये भी हाल ही में स्टार्ट हो, सेंक्शन पूरा हो चुका है। उसका बाद में ये लिपू स्कूल को मैंने विजिट किया था, देखा है तो स्कूल का हालत ही नहीं था, पूरा स्कूल सर के कटा, उसका बावजूद भी बच्चा लोग वहाँ पढ़ रहे। तो मैंने स्टेट गवर्नमेंट को लिखा, अपना विजिट का जो उसका फोटोग्राफ को भेजा, मैंने स्कूल को इंस्पेक्शन किया, स्कूल का हालत ये है। तुरंत स्टेट गवर्नमेंट ISHE से आपका 1 करोड़ 26 लाख का स्कूल बिल्डिंग सेंक्शन कराया, अभी बना के तैयार है। आप देखने से जाने से देखिए, इतना फर्स्ट क्लास कॉन्ट्रेक्टर ने स्कूल बिल्डिंग बना दिया लिंबू में। उसका बाद फिर मैंने देखा है कि अरे ये तो स्कूल तो बना दिया, लेकिन हमारा कंपाउंड वॉल नहीं, कंपाउंड वॉल नहीं होने से सिक्योरिटी नहीं होता है। मैंने SIDF से 30 लाख दे करके वो सिक्योरिटी वॉल भी, कंपाउंड वॉल भी अब इससे मेंटेनेंसली बना रहा है, वो भी खत्म होने का काला गया। उसका बाद फिर वहाँ का हेडमास्टर का शिकायत था, यहाँ तो बिल्कुल भी टॉयलेट है नहीं, ना लेडीज का है ना जेंट्स का है, सिर्फ टीचर का एक है, वो भी सरा है। तो मैंने नॉन DADP हम लोग का एक फंड देता था, वहाँ से 10 लाख निकाल के सेंक्शन करा के DC से वो फर्स्ट क्लास बना रहे। तो लिपू स्कूल का सारा समस्या मैंने कटर कर दिया। उसका बाद फिर लिरू में मुझे इनवाइट किया था, एक ओकेजन रखा था, तो मैंने जाके देखा है तो स्कूल बिल्डिंग तो बन गया, उसको मैं उद्घाटन भी किया, कंपाउंड वाल नहीं है, गुरु भी साथ में है, गाय भी और स्टूडेंट भी। और सबसे इंटरेस्टिंग ये था कि वहाँ बहुत साल से स्कूल चल रहा है लेकिन एक टॉयलेट तक नहीं, स्टूडेंट है टीचर है, ना टीचर का है ना स्टूडेंट का है। तो मैंने पूछा आप लोग क्यों ऐसा कंडीशन बनाया, गवर्नमेंट को हम लोग लिख लिख के परेशान हो गया,
सेंक्शन आता है। मैंने इस कोर्ट में अनाउंस किया कंपाउंड वॉल को मैं एसआईटीएफ से दे दूंगा और टॉयलेट को नॉन बीजेपी स्कीम से दे दूंगा। वहाँ पे 10 लाख रुपया सेंक्शन किया, उसके बाद में कंपाउंड वॉल टर्ची फाइव लेक्स का सेंक्शन हुआ। अभी वो लिरू स्कूल भी एक जो स्कूल होना चाहिए, स्कूल का एनवायरमेंट होना चाहिए, सारा मैंने करा। उसके बाद कांको में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कर दिया, कांको सेकेंडरी स्कूल वहाँ में गर्ल्स हॉस्टल बनाया, स्कूल एक पोर्शन कोलैप्स होकर के उसको डिसमेंटल करके एक्सटेंशन करके फर्स्ट क्लास स्कूल बनाया। उसके बाद में आपका यहाँ में हायर सेकेंडरी स्कूल में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाया, लेकिन वो अभी ये यूज नहीं कर रहा है, उसको यूज करना चाहिए। वो फर्स्ट क्लास एक बनाया स्कूल, फिर सिली में बनाया स्कूल बिल्डिंग, और कांको सर्कुल में एक आपका कांको ये सीओ हेडक्वार्टर वहाँ में सब सेंटर हेल्थ का। तो मैंने देखा एक सर्कुल एक हुआ था है, या तो सब सेंटर तो बिल्कुल वो तो सब सेंटर तो बस्ती में होता है। मैंने गवर्नमेंट को लिखा, गवर्नमेंट ने उसको मेरा रिक्वेस्ट को माना, उसको प्राइमरी हेल्थ सेंटर अपग्रेड कर दिया। प्राइमरी हेल्थ सेंटर अपग्रेड करने से उसका स्पेशलिटीज अनगिनित है, दो डॉक्टर का प्रोविजन होता है, उसका राउंड द क्लॉक नर्स का ड्यूटी होता है। तो उसका साथ साथ पोस्ट को अपग्रेड करके मैंने हॉस्पिटल बिल्डिंग को भी बना दिया। अभी वहाँ में एक फर्स्ट क्लास हॉस्टल ये आपका पीएचसी बिल्डिंग बन गया। उसका साथ फिर हम लोगों ने एक एम्बुलेंस भी दे दी, एक डॉक्टर भी पोस्ट कर दिया। और देखा है तो कांकू में फिर पुलिस का पुलिस स्टेशन है नहीं, वहाँ में एक टेम्प्रेरी पोस्ट बना कर रखा था। मैंने होम मिनिस्टर को बोला कांकू बहुत दूर है, एक सर्कल का हेडक्वार्टर है, सर्कल जो है कामचाम से लेकर के आपका दुर्पय तक है, यहाँ एक पुलिस स्टेशन का जरूरत है। तो पुलिस स्टेशन हम लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट को बोलने का मेरा रिक्वेस्ट को मान करके सी क्लास पुलिस स्टेशन वहाँ में सेंक्शन, अभी उसका भी हम लोग अभी उद्घाटन करना बाकी है। फिर सेम लाइन में पाले में भी हम लोग सी क्लास पुलिस स्टेशन सेंक्शन। उसका बाद अभी PNGSY दो ब्रिज का साथ में नया सेंक्शन आ गया, और बहुत कुछ है, मैं आधा तो भूल गया हूँ, ये जो मोटा मोटी जो मेरा दिमाग में था उसको बताया, काफी काम किया। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट वाला जो हमारा लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर को लेकर जगह चला गया मेरा आने से। तो मैंने स्टेट गवर्नमेंट को बोला है कि सारा चीज जो है मिसमैनेज कर दिया, कभी गारू में हेडक्वार्टर बनाने का प्रस्ताव बनाने का इलाका है, मैं खुद कैंसिल का हूँ, गारू मेरा इलाका है, लेकिन मेरा कॉन्सेंस जो बिल्कुल नहीं था। गारू जो है बॉर्डर में होता है, लेफरादा का साथ में एकदम बॉर्डर में हम क्यों हेडक्वार्टर बनाए, फिर सिकरमा ईस्ट सियांग का बॉर्डर में होता है और जंगल में होता है, वहाँ डेवलप करने के लिए हमें कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने से पहले हमको रास्ता में 200 करोड़ पैसा लगा, हम क्यों गवर्नमेंट का पैसा को वेस्ट करें। तो मैंने गवर्नमेंट को बोला सारा हमारा MLA कोलिग्स एंड ऑनरेबल मिनिस्टर CM DCM को सबको बोला कि एक हमारा वहाँ में CG वर्क एक जगह है, वहाँ में लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में जमीन दे रहा है, ये वो भी इन एफिडेविट में साइन कर, वो हाईवे का बगल में होता है। उसका बाद वहाँ में टेलीफोन पहुँच के, इलेक्ट्रिसिटी पहुँच के, हम 1 किलोमीटर आधा का रास्ता बनाने से हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने मेरा सिफारिश माना, जबकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जो फिजिबिलिटी कमिटी था उसका रिपोर्ट का हिसाब से शिखर को डिक्लेयर करना चाहिए, लेकिन मैं एक आदमी लड़ा सिकरमा जो है वहाँ हमको बहुत समय लगेगा उसको डेवलप करने के,
हमको चाहिए आप भी डेवलपमेंट, हम अदर डिस्ट्रिक्ट का साथ में एक पार विद द अदर डिस्ट्रिक्ट, नया डिस्ट्रिक्ट हम अपना हेडक्वार्टर को देखना चाहते हैं। तो मैंने लड़ करके वो कैबिनेट में पास कराया, फिर कैबिनेट पास होने के बाद में डिस्ट्रिक्ट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट असेंबली में अमेंड हुआ, सीजी को हम लोग परमानेंट हेडक्वार्टर बना दिया। तो ये सब तो इसको लीडर का एबिलिटी तो बोलना पड़ेगा, एक लीडरशिप क्वालिटी है जो गवर्नमेंट को परसू कर सकता है, कोलिग को परसू कर सकता है, ऑफिसर को एक अच्छा रिलेशन एक टेंडम बना कर रख सकता है, लीडर को वो क्वालिटी तो होना पड़ेगा। आप लीडर है, मैं एमएलए हूँ, सबका ऊपर में है, सब मेरा यहाँ आकर के मुझे बताना है तब मैं काम करेगा, ऐसा नहीं। लीडर जो है प्रोएक्टिव करना पड़ेगा, लोग का बोलने से पहले आप सोच के रखना पड़ेगा, आप पार सकते थे वो चीज़ मेरा में है या नहीं है मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन लोगों का एक 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 सोच है कि हाँ इनमें क्वालिटी है जो हमको लीड कर सकता है, ऐसा एक गुरु का एक ऋषि प्रोफेशन है, उस हिसाब से अपने लोग का समर्थन ये लिखा पड़ेगा। फिर गेंसी में मैंने गेंसी टाउनशिप रूल बनाया, फर्स्ट क्लास रूल बनाया, वो मेरा सुपरविजन में काम है, क्योंकि वो फार्म हम लोग का लोकल फार्म था। उसके बाद गेंसी में एक मिनी स्टेडियम बनाया, आपने कभी गेंसी जाने से देखी, और गेंसी हायर सेकेंडरी स्कूल को मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल गोल्डन जुबली स्कीम का अंतर्गत हम लोग ने सेक्शन कंस्ट्रक्शन शुरू करना है। उसके बाद रिंग से लेकर के अंदर बस्ती सिवे हेडक्वार्टर का नीचे में भी हमारा बस्ती है, रिंग सिवरी नामक वहां तो बिल्कुल रास्ता नहीं था, ट्रैक्टर का रास्ता था लेकिन मोटरेबल नहीं, तो पीएमजी एसवाई में वहां सेंक्शन कराया। अभी गेंसी से डिटेन बस्ती तक स्टेट ट्रांसपोर्ट का पास चल, फिर रिंग से पाईमुरी एक बस्ती है वहाँ अलग से डांस करके, वहाँ में पीएमजी एसवाई सेंक्शन हुआ, वो भी कंप्लीट करके अभी हमारा लोगों को एक कार्पेटेड रूट एक जो ब्लैक टॉप रूट मिला। उसके बाद गेंसे प्राइमरी स्कूल में हम लोग ऐसा एक ग्राउंड बना दिया है कि आप लोग को भी जाने से कैमरा वैमरा खींच के लाइएगा, ऐसा बता दिया है कि वहाँ गेंसी बस्ती का लोग इतना खुश है। अभी हम लोग हायर सेकेंडरी स्कूल का प्राइमरी सेक्शन का जो स्टूडेंट है उसको उसमें शिफ्ट करके हायर सेकेंडरी में मिडिल सेकेंडरी हायर सेकेंडरी एक जगह होगा और प्राइमरी सेक्शन गेंसी बस्ती में चला दें। अभी फिर गेंसी उसमें क्लासरूम का शॉर्टेज है, मैं अपना लैब से पैसा दे रहा हूँ और दो रूम का एक्सटेंशन, और उसका अलावा भी मैंने हर बस्ती में डेरे बना दिया। वाटर सप्लाई मोदी जी का एक हमारा बहुत ब्लेसिंग था, जल जीवन मिशन, उसी का अंतर्गत हम लोगों ने हर बस्ती को वाटर सप्लाई प्रोवाइड किया, हर हाउस होल्ड में हम लोगों ने टैप कनेक्शन दे दिए, और गेंसी टाउन में वाटर थोड़ा सा स्कार्सिटी, पानी फिल्ट्रेशन नहीं होता था, पानी सीधा वो पानी पाइप में निकलता, कभी कभी वहाँ का जबड़ा ब्लॉक होकर वो टैप बन जाता, तो उसको हम लोग बहुत जगह में करने का कोशिश किया सेंक्शन कराने के लिए, लेकिन नहीं कर सका। तो हमने जल जीवन मिशन के अंदर में एक बहुत बड़ा प्रपोजल बनाया, तो गेंसी में टाउनशिप वाटर सप्लाई के लिए हम लोगों ने 10 करोड़ का लागत से एक प्रोजेक्ट सेंक्शन कराया। अभी वो स्कीम भी खत्म होने का एक कंप्लीशन होने का कागज पे आ गया। वो स्कीम सक्सेसफुल अगर होता है तो गेंसी 35 इयर्स के लिए पानी का कोई समस्या नहीं होगा, क्योंकि वहाँ ने इतना बड़ा एक प्रोजेक्ट बनाया और सोर्स हम लोग जहाँ से बिल्कुल पहले टिपिंग नहीं होता था वहाँ से टिपिंग कर, और सोर्स भी हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छा सर्वे हुआ डिपार्टमेंट ने, पी सी डिपार्टमेंट को सराहना करता हूँ आप लोग का माध्यम से।
तो ये एक प्रोजेक्ट हुआ। उसके बाद में गेंसी पीएचसी में गेंसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर, वो बहुत एक पुराना पीएचसी है। वहाँ में जब हमारा तौलक बसर साहब अनडिवाइडेड एमएलए हुआ करता था, तो साथ में एक हॉस्पिटल बिल्डिंग सेक्शन का एसपीटी बिल्डिंग था। हालांकि बिल्डिंग ठीक था, लेकिन एसपीटी होने का सर उसमें थोड़ा सा हाइजीनिक प्रॉब्लम शुरू हो गया था। तो हम लोगों ने वहाँ स्टेट गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया, सदा स्कीम बोल के, जो हमने नया नया मैंने था तो एक सदा स्कीम था, उसका अंतर्गत मेरे ख्याल एग्जैक्ट फिगर को मैं भूल गया हूँ, 3 करोड़ का आसपास सेंक्शन करके अभी वो बिल्डिंग भी बन करके तैयार है, अभी उद्घाटन करना बाकी है। ऐसा करके अभी पावर इलेक्ट्रिक कनेक्शन में थोड़ा सा दिक्कत था, सिवाय सर्कल में सारा पोल गार करके है लेकिन लाइट नहीं है। और मैं खुद भी एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं तो जीतन बस्ती का जो गेंसी से आपका 53 किलोमीटर दूरी में मेरा गाँव है, लाइट बनाने वाला बना के लाइट को जला के चला गया, वो नहीं पहुंचने से पहले और लाइट भी बत्ती कूल होता है, वो ऐसा करके प्रॉब्लम था। तो मैं स्टेट गवर्नमेंट को बोला, जो जो राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना में कॉन्ट्रेक्टर काम किया वो सही काम है। उसका बाद में फिर दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना करके आया था, हालांकि उसमें हमारा वहाँ में काम नहीं हुआ, क्योंकि वो राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना जब कांग्रेस रीजन था उस समय का फ्लैगशिप प्रोग्राम था। तो उसको ठीक करने के लिए हमें एडिशनल फंड लगेगा, तो स्टेट गवर्नमेंट ने हमें 1 करोड़ पैसा मुहैया कराया। हम लोगों ने जो जो पोस्ट खराब था उसको रिप्लेस किया, जो जहाँ कंडक्टर ठीक नहीं था उसको रिप्लेस किया करके अभी आपका जो लास्ट पोस्ट है गिंग वहाँ तो बल्ब जला दिया, अभी वहाँ में लाइट पहुँच गया, सारा गेंसी सिवे एरिया इलेक्ट्रिक फाइट मेरा पीरियड में, अभी मेरा पीरियड बोल के नहीं, अभी जस्ट आपका ये मई और जून में ये काम डिपार्टमेंट ने कंप्लीट कर दिया। इसके लिए पीएचडी जो हमारा पावर का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कृपा दिन्य जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, वहाँ सिविल सर्कल और गैसी सर्कल का वासियों का ओर से, क्योंकि हमको 21 सेंचुरी में हम लाइट से वंचित था, उसको मतलब मेरा इनिशिएटिव से, डिपार्टमेंट का इनिशिएटिव से उसको हम इलेक्ट्रीफाइड करने का एक मौका मिला और लोगों को उसका बेनिफिट मिला। तो ऐसा करके ये तो मोटा मोटी में मैं जो समझता हूँ उसको बताया, स्कूल बिल्डिंग बनाया आपका सिवा एक यूपीएस है, अपर प्राइमरी स्कूल है, वहाँ आप लोग कभी जाने से देख लिएगा, वहाँ पूरा और मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग वहाँ एक हॉस्टल स्कूल बिल्डिंग बनाया, गर्ल्स हॉस्टल RCC बनाया, टीचर्स 5 यूनिट बनाया, और स्कूल का कंपाउंड को पूरा हम लोगों ने कंपाउंड वॉल बनाया। ऐसा करके वो अभी स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर और करने के लिए नहीं, फिर तारामूल में सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों ने कर दिया तारामूल, ये आपका UPS में, देन गारू UTS में इंफ्रास्ट्रक्चर कर दिया, और प्राइमरी स्कूल में टांगों में स्कूल बिल्डिंग बना दिया, लिदुक में बना दिया, उसका बाद लिदमुरी में बना दिया, अतामुरी में बना दिया, अक्सो में बना दिया, ऐसा करके गेंसी में भी बोर्ड काम। अभी हाल ही में लास्ट जुलाई ये 2023 में गारू गेंसी में एक बहुत बड़ा समस्या था, मैं खुद को भी अच्छा नहीं लगता था कि एंट्रेंस में ही रास्ता खराब जी। लोगों का कहना था कि आपने बहुत काम कर दिया लेकिन आपका एंट्री पॉइंट में ही ये एक एक, एक दर्शाता है कि आप जो जितना काम किया होगा उसी को यहाँ में माइनस कर देता है जी। लेकिन मैंने बहुत कोशिश किया वो रूट को सेंक्शन कराने के लिए, मैं CRF में, निश्चित में, NEC में,
हर ये आपका जो फंडिंग एजेंसी है वहाँ प्रपोजल देखा देखा, लेकिन सेंक्शन नहीं हो पाया, स्टेट प्रायोरिटी में जगह नहीं मिला। तो फिर हम लोग उसको PMGSY ट्री में प्रपोज किया। अभी सेंक्शन हो करके डिपार्टमेंट TS बना रहा है, वो टेंडर होने का साथ साथ काम शुरू होगा। वो रोड जो है अरुणाचल में, मेरे ख्याल दो ऐसा रोड, तीन चार ही होगा, ये कनेक्टिविटी टू एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर करके PMGSY में अलग से एक स्कीम है। तो उसी स्कीम का अंतर्गत हम लोगों ने सेंक्शन लिया। उसका रूट ब्रिथ होगा 5.5 मीटर, जो कि बहुत बड़ा है, दो गाड़ी आराम से नेगोशिएट कर सकता है। तो वो भी सेंक्शन हो गया। और कारो एजेंसी का भी 2023 का अमेरिकल अक्टूबर से हम लोग वर्क को स्टार्ट करें। तो बहुत मैंने काम किया। फिर वहाँ दीतेन से लेकर के शिवरी तक तो एक पैकेज बचा था, मैंने कनेक्टिविटी देने का, उसको भी PMGSY 3 में सेंक्शन हुआ। अभी मेरे क्षेत्र में ये तीन प्रोजेक्ट सेंक्शन होने का साथ साथ रास्ता बनाने के लिए बहुत मतलब थोड़ा सा ही रह गया होगा। जैसे जिसका आपका PMGSY पैरामीटर जो फुलफिल नहीं होता है, ऐसा तीन चार बोस्ती रह गया होगा, बाकी सबको हम लोगों ने कनेक्टिविटी दे दी। इसमें मेरा नॉलेज में यही है कि एक दीवे है, एक ही बोस्त एक ही दो घर है, एक बोस्ती है, उसके बाद उसुमपुरी है, वो करेतरिया को मीटअप नहीं करता है, लिडुक है गेंसी सर शिव सर्कुल में, फिर कांकू सर्कुल में एक रिचि रित है, काने को तो ये आपका NLCPR स्कीम से कनेक्ट करके रखा है, लेकिन उसका अलाइनमेंट थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। लास्ट टाइम मैं विजिट किया था, उसको भी मैं कमिटमेंट दिया हूँ आपका इसको डाइवर्शन कराएगा जहाँ में स्ट्रिप है। तो ऐसा करके मैंने बहुत काम किया, मतलब जो जो मेरा दिमाग में उसको बताया, जो दिमाग में नया और भी है, जैसे लिकावली में एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मेडिसिन का एक वेयर हाउस बनाया, वो भी 2 करोड़ 50 लाख का लागत से। वो पूरा बिल्डिंग एयर कंडीशन है। अभी देखा है तो ऊपर में जो जो डिस्ट्रिक्ट के अपर बेल्ट में, वहाँ का मेडिसिन भी यहीं स्टॉक होता है, यहाँ से वितरण होता है ऊपर के लिए। तो बोला जाए तो हम लोगों ने, मैं स्पेशली, मैं एक जब विधायक बना तो लिकावली में बहुत बड़ा एक बदलाव आया। लेकिन लोग का सोच है कि आप इसको 6 साल का अंतराल में सारा चीज़ को करना था, ये तो पॉसिबल नहीं है। प्राइम मिनिस्टर का क्षेत्र होने से भी ये पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग धीरे धीरे चीज़ को कर रहे हैं, धीरे धीरे सुधार रहे हैं। अभी गारो गेंसी का रास्ता बनेगा, गेंसी टाउनशिप रूट बन गया। और एक चीज़ आप लोगों में बताना भूल गया, अभी हमारा सिवे गेंसी सर्कल में नेटवर्क नहीं है, जी तो उसको भारत सरकार का एक स्कीम है, डिजिटलाइजेशन ऑफ इंडिया करके, इंडिया डिजिटल इंडिया करके, उसका अंतर्गत हम लोगों ने हर बस्ती में एयरटेल का टावर बैठा दिया। शिवरित का कंप्लीट हो गया, तांगो कंप्लीट हो गया, डीटेन कंप्लीट हो गया, उसका बाद में आपका ये रिंग कंप्लीट हो गया, तारामुरी कंप्लीट हो गया, और तातामुरी कंप्लीट हो गया, गेंसी कंप्लीट हो गया, अभी लितमुरी का ऑनगोइंग है, लिडुक ऑनगोइंग है, लोतक का ऑनगोइंग है। तो तीन प्रोजेक्ट ऑनगोइंग है, बाकी कंप्लीट है। अभी उसको कमीशन करने से हम लोग को 4G नेटवर्क पूरा हर बस्ती में मिलेगा। और उसका साथ साथ फिर BSNL में सेंक्शन करके रखा है, गेंगे में BSNL का टावर बनेगा, उसुमपुरी में BSNL का टावर बनेगा, सिब में BSNL का टावर बनेगा, बीगू में BSNL का टावर बनेगा। तो ये सब खत्म होने के बाद हमारा वहाँ में एक तो पानी का समस्या खत्म हो गया जल जीवन मिशन से, दूसरा जो हमारा नेटवर्क कनेक्टिविटी में हम लोग डिफ्राइव था वो अभी कुछ दिनों के बाद चालू होगा, और कम्युनिकेशन तो हम जो 2 पैकेज बचा था उसको सेंक्शन करा दिया, वो काम होगा।
तो अभी तो जब कंस्ट्रक्शन होगा तो थोड़ा सा ट्रांजिशन पीरियड में तकलीफ तो मिलेगा लोगों को, लेकिन उसको बियर करना पड़ेगा। लोग बोलता है कि ये नहीं है वो नहीं है, तो कम से कम चीज़ को सुधार रहा है हम लोग, उसको पटरी पे ला रहा है। सारा स्कीम सेंक्शन है। अभी लाइट का समस्या ये लोग बोलता है, कल भी मैंने व्हाट्सएप पर आता गेंद्री में लाइट नहीं है, जबकि अभी लाइट है, लेकिन वो लाइट परमानेंट नहीं है, हमको भी पता है। कभी आशा मौला काट देगा तो हम लोग का बत्ती गुल होगा। तो उसके लिए परमानेंट सॉल्यूशन ये है कि हमारा लोअर सियांग लोअर सिबनसिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो एनएसपीसी में बना रहा है, वो 2023 का दिसंबर में कमीशन है। सारा कंप्लीट हो गया, अभी सिर्फ वो है कि गेट को बनाना है, स्विस गेट को। गेट पानी का अंदर बनाना है, पानी भरा हो गया वहाँ जाके काम नहीं कर पा रहा, इसलिए ऐसे रुक के बैठा है। अक्टूबर से जब पानी रिलीज होगा तो वो बनाना शुरू करेगा, और वो लोग हमको आश्वासन दिया था कि बाई दिसंबर हम लोग उसको खत्म करेगा। तो वहाँ का लाइट को लिकावली लाने के लिए आपका दुनिया भर का ये ट्रांसमिशन टावर बना रहे हैं, वहाँ से गेरुआमुख से लेकर के लिकावली और आपका पासीघाट के लिए। तो मैंने उस दिन देखा था पूरा सारा टावर एकदम खड़ा हो गया। अभी उसमें कॉन्ट्रैक्टर स्ट्रेचिंग करना है। वो करने का बाद क्या होगा, लिकावली में पावर ग्रिड का एक सब स्टेशन बना रहा है, वो भी कंप्लीट होने का कगार पे आ गया। तो वहाँ में 132 KV लाइन एनएचपीसी से आएगा, और 132 को वहाँ में 33 में कन्वर्ट करेगा। 33 में कन्वर्ट करके लिकावली गेंसी का जो 33 KV लाइन कंप्लीट है पूरा, अभी सिर्फ वो पावर आने से उसको चार्ज करके गेंसी में पावर को भेजना है, और गेंसी में पावर ग्रिड का सब स्टेशन बन के तैयार है। वो 33/11 वहाँ में कन्वर्ट करेगा, 33 को 11 KV में, 11 KV को सीधे भेजेगा, और गेंसी में फिर ये क्या बोलते हैं आपका वो ट्रांसफार्मर का थ्रू LT लाइट में जाके पूरा इलेक्ट्रिफाइड होगा। अभी दिसंबर तक तो आदमी लोग को थोड़ा सा बियर करना पड़ेगा। तो तब तक तो हम लोग लिकावली को भी इलेक्ट्रिफिकेशन करेगा, गेंसी को भी करेगा। जब लाइन बिछाया तो आदमी को तो सोचना है कि ये लाइन किस लिए बिछाया। 33 KV लाइन आप गेंसी तक तो पहुंचाना तो कोई मामूली बात नहीं, कितना गवर्नमेंट का कितना करोड़ इन्वॉल्वमेंट होगा यहाँ। फिर लिकावली तक तो अभी आपका ट्रांसमिशन टावर बना रहा है पावर ग्रिड ने, एनएचपीसी पावर को यार टैपिंग करने के लिए, लोअर सिबनसिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का कितना करोड़ भारत सरकार खर्चा कर रहा है, वो जो खुद देख रहा है कि हाँ ये लाइन बना रहा है, और यहाँ देखा है तो सब स्टेशन है जहाँ से हमको लाइट मिलेगा। उसका बावजूद भी अगर कंप्लेन करता है तो हम तो जादू तो मेरा पास नहीं है कि लाइट दे दो लाइट आ जाएगा, ऐसा तो नहीं कर सकता। वो सिस्टम में होगा अपना, एक नेचुरल टाइम होता है उसमें होगा, लेकिन बिफोर 2024 इलेक्शन ये सब हम करा के ही रहेगा, ये मेरा वादा है। तो सारा चीज़ मेरा पीरियड में ये सब हो रहा है, रास्ता हो गया, लाइट हो रहा है, पानी हो गया, तो और क्या चाहिए पब्लिक को। अभी सिर्फ मेरा एक रह गया है कि लिकावली हायर सेकेंडरी स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना है। उसके लिए भी मैं 35 करोड़ का DPR बना के DC को वहाँ से ईटानगर डायरेक्टर सजिता में दिया, सजिता में सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड ट्राइबल अफेयर्स है वहाँ का। फिर स्टेट लेवल स्क्रीनिंग कमिटी है, स्क्रीनिंग कमिटी में चीफ सेक्रेटरी चेयरमैन है, तो वहाँ से स्टेट लेवल प्रायोरिटी में भेज के हम लोग मिनिस्ट्री में स्कीम को पहुँचा दिया। लेकिन मिनिस्ट्री में थोड़ा सा वो स्कीम को मॉडिफाई कर रहा है, तो मॉडिफाई करने का वजह से ये लोग न्यू स्कीम टेकअप नहीं कर रहे हैं। तो न्यू स्कीम टेकअप नहीं करने से तो ऑटोमेटिकली वो स्कीम तो रुक गया वहाँ में। अदरवाइज लिकावली हायर सेकेंडरी का 35 करोड़ अगर हम लोग को मिलता था तो पूरा ए से लेकर के जेड तक तो हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज करना था, मेरा ये प्लान था। उसमें सारा इंक्लूड है, टीचर क्वार्टर है, ऑडिटोरियम बिल्डिंग है, स्कूल बिल्डिंग है, हॉस्टल है, कंपाउंड वॉल है, पूरा कंपोजिट एक DPR था। तो ये मेरे लिए एक रह गया है कि हम उसको जैसे भी मैं
24 का अंदर तो मैं उसको वादा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन 100 लोग में MLA रहेगा, इसको हम करके ही रहेगा। उसको अगर हम लोग माइनॉरिटी अपीयर से नहीं मिलता है, तो भी हम दूसरा ये से हम लेने के लिए कोशिश करेगा, क्योंकि लिकाबली हायर सेकेंडरी एक इम्पोर्टेंट हायर सेकेंडरी स्कूल है हमारा लोअर सियांग के लिए। हमारा गेंसी में कॉमर्स स्ट्रीम नहीं है, साइंस स्ट्रीम नहीं है, यहीं आगे पढ़ता है। तो फिर लिकावली का जितना कांकू का स्टूडेंट होगा, लिपू का, लिरू का, यहीं पढ़ता है। तो वो स्कूल को हम लोग को एक फर्स्ट क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बना के, जो वहाँ स्टूडेंट पढ़ेगा उसको पढ़ने का एक माहौल मिलना चाहिए, जो हमारा टीचर है उसको एक रहने का एक कंफर्टेबल एक स्टे, मतलब वो बैठने का एक कंफर्टेबल वो होना चाहिए। वो मेरा दिमाग में है, उसको मैं कर करें। बहुत बढ़िया सर, आपने अभी डेवलपमेंट की बात की, तो सर चलिए प्रकाश डालते हैं कुछ समस्याओं के बारे में भी। जैसे कि अगर हम देखें लिकावली की बात करें, तो रोड का कंडीशन बहुत ही ख़राब होता है, स्पेशली जब बारिश होते हैं। और सर आपने देखा ही होगा अपर कॉलोनी के रास्ते भी बहुत ही ख़राब स्थिति में है, जो DC ऑफिस की तरफ चल जाता है। और दूसरा सर आप माली थान जाने का रास्ता, वो भी बहुत ही ख़राब है। तो सर इन चीज़ों में, इन विषयों में आपका क्या राय है? एक्चुअली लिखावली में बनाने से भी, जब तक हम लोग रास्ता को बनाने से भी वाटर लॉगिंग को ख़त्म नहीं करेगा, तो ये समस्या रहेगा। क्योंकि लिखावली एक लो लाइंग एरिया है, वहाँ में वाटर लॉगिंग होता है, पानी एकदम बारिश का सीजन में अब एक तालाब जैसा लगेगा, आदमी नाव से नाएगा ऐसा जाएगा, ऐसा स्थिति होता है। उसके लिए मैंने वहाँ का लोकल रेसिडेंट को बहुत बार अपील किया। मैं हर मीटिंग में इस चीज़ को बोलता हूँ कि आप लोग हमें ज़मीन दे दो, जहाँ से हम ड्रेन बना के पानी को ले डाइवर्ट करके ये लिकावली को एक वाटर लॉगिंग से फ्री कर सकता है। लेकिन रेस्पॉन्स बिल्कुल नहीं है। मैं इसको तो पब्लिक को रेस्पॉन्सिबिलिटी को तैराएगा, क्योंकि मैंने सर्वे करके रखा, मैं सोच के रखा था हायर सेकेंडरी का स्कूल को हम गाय नदी में ड्रॉप करना है। तो हायर सेकेंडरी का जो पानी है उसको गाय नदी जाने के लिए, गाय नदी और हायर सेकेंडरी का बीच में हमको ज़मीन चाहिए ड्रेन बनाने का, वो ज़मीन नहीं मिल पा रहा है, ये एक हर्डल से। उसके बाद फिर फॉरेस्ट कॉलोनी, यहाँ आपका फॉरेस्ट IB है, रेंज ऑफिस है, वहाँ से होकर के जो पानी आता है वो पानी को, यहाँ एक पेट्रोल पंप है ऑयल इंडिया का, वहाँ में एक कालवाट बना के हमारा मरी रिवा साहब जो कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है, उसका घर का बगल में एक ड्रेन है लिपू का, उसमें हम उस पानी को द्रव करके वो लिपू ड्रेन को RCC बना के वो पानी को लेकर के हम ये मालनी थान में ड्रॉप कर सकता है। वहाँ में एक ओरिजिनल सुकन नाला बोल के एक नाला है। फिर बीच का बचा वाला पानी को स्कूल से फिर ले आ करके सीधा ड्रेन बना के ये पुलिस स्टेशन का सामने में या बीच में एक हम लोग का एक ड्रेन है, वो कैना साहब का पीरियड में बनाया था NEC से, उसमें द्रव करना है। तो लिखावली तो वाटर लॉगिंग से एकदम पूरा फ्री होगा। तो पानी का जो हमारा आसाम BN का सामने में पानी निकलता है, उसका जो वॉल्यूम है बहुत कम होगा। तो अभी तो सारा पानी को हम लोग उधर जाने देता है, जब बारिश का सीजन होगा तो वहाँ तो फ्लड हो जाता है, मतलब एक नदी बन जाता है। तो आसाम वाला भी डर जाता है, कह रहे ये सारा पानी एक जगह में जाएगा तो हमारा घर ही खत्म है, हमारा किट्टी ही खत्म है। उस हिसाब से वो लोग बनाने नहीं देता है। तो नहीं बनाने देने का कारण से तो वो रास्ता हाईवे टूट के बैठा है। हालांकि हाईवे अथॉरिटी को भी हमारा एडमिनिस्ट्रेशन को लिखना है कि हम यहाँ काम करेगा, आप पुलिस प्रोटेक्शन दे दो, क्योंकि हाईवे किसी का नहीं होता है, वो ROW में आता है, राइट ऑफ वे में। जब राइट ऑफ वे में काम करता है तो हम इधर का ना अरुणाचल का, ना आसाम का, ना लोकल का नहीं सुनना है। तो कहीं ना कहीं इसमें भी BRO का भी गलती है। हम तो BRO को बोलेगा, क्योंकि NHAI DCL को आज तक तो वो रूट को हैंड ओवर नहीं किया। तो वो एक समस्या है कि पानी को हम लोग एक ही जगह डाइवर्ट कर रहा है, नदी बन जाता है, लोग डर जाता है, ये एक इशू है।
तो मैंने बोला आप लोग उसको तय करो कि रास्ता यहाँ से पानी जाएगा, हमको दिखाओ, डिपार्टमेंट को DPR बनाने दे दो, सर्वे करके आप लोग मीटिंग बैठो, तब जाके मैं स्टेट गवर्नमेंट को बोलूँगा कि हमारा लिकावली में ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्यूशन में लाने के लिए, इसको रिजॉल्व करने के लिए हमको पैसा चाहिए। तो वो मेरा रिस्पॉन्सिबल बन जाता है, तो मुझे बोलना है कि आप तो नाकाम है, आप पैसा नहीं ला सकता है। जब तक तो वो रिजॉल्व नहीं करेगा तो पैसा लेके किसका माथा में बनेगा, पानी को तो ओवरहेड लेके तो नहीं जा सकता है। ये एक इशू है। दूसरा इशू है कि अपर कॉलोनी वाला मैंने पहले भी जिक्र किया, उसमें आपका रिटेनिंग वॉल और बनाना पड़ेगा। रिटेनिंग वॉल नहीं बनाने का वजह से वो टूरिस्ट लॉज भी नीचे आने का, लैंड स्लाइड का साथ आने का, वो एकदम मतलब एक संभावना बन के बैठ गया। उसका बाद में फिर वहाँ से स्लाइड आता है तो सफा करने से रास्ता बर्बाद होता है। ये एक इशू है, उसको वही है कि सॉल्यूशन हम लोग निश्चित का पेज टू पैसा को ला के ये सब काम का करना पड़ेगा। दूसरा हमारा ओल्ड पावर हाउस से लेकर के ये तो आपका मालनी थान टेम्पल तक, वहाँ में हम लोग एक प्रपोजल स्टेट गवर्नमेंट को दिया है। स्टेट गवर्नमेंट मेरे ख्याल उसको साशी में दिया होगा, साशी मतलब आपका स्पेशल एजिस्टेंस फॉर स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर करके एक फंड आता है, तो उसी का अंतर्गत हम लोगों ने प्रपोज किया। डीजी साहब हम दोनों ने उसको डिस्कस किया था, वो अभी अगर वो अप्रूव होकर के आ जाता है तो ये रास्ता बनेगा। वो मेरा नॉलेज में है, उसको मैं सोच के रखा हूँ, जैसे भी बिफोर 2024 इलेक्शन ये रास्ता को हम ठीक करेगा, ओल्ड पावर से लेकर के मालनी थान टेम्पल तक। और बाकी आपका जहाँ में आसाम बीएन है वहाँ रास्ता टूट के बैठा, वहाँ सिविल सोसाइटी का भी मीटिंग हुआ, स्ट्राइक हुआ यहाँ टाइपुदिया का लीडरशिप में। उसका बाद NHIDCL का रिप्रेजेंटेटिव भी आया, BRO भी आया, एडमिनिस्ट्रेशन भी बैठा, ये लोग डिस्कशन करके एक रिजॉल्व किया है कि इसको अभी बनाना है। तो गवर्नमेंट का फंड आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये भी सबका नॉलेज में आ गया है कि इस चीज़ को बनाना है, ये भी बन के रहे। सर, हम जानना चाहेंगे कि जो लिकावली 28, लिकावली कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने भी यूथ्स हैं, अनएम्प्लॉयड यूथ्स हैं और बूढ़े बुढ़िया हैं, सर उन लोगों के लिए आपकी क्या प्रोग्राम एंड पॉलिसीज़ हैं? जो हमारा बस्ती में आपका बूढ़ा बूढ़ी लोग है, वो लोग के लिए तो कोई ऐसा स्कीम मेरे तरफ से अलग से नहीं है। उसको ओल्ड एज पेंशन का तहत वो लोग को एक पेंशन देता है, उसी में वो लोग को अप्लाई करा के मेरे ख्याल अभी 50-60% को तो हम लोग कवर किया होगा। दूसरा ये है कि मैं अपना तरफ से भी जो MLA फंड मुझे ऑथोराइज करता है उसी से मैं बुद्धा बुद्धि लोग को थोड़ा थोड़ा कोई कोई को आपका 40,000 50,000 करके दे देता हूँ। तो बहुत बहुत खुश होते हैं क्योंकि इनका कोई रिसोर्स नहीं होता है ना, वो हाजिरा करने खेती नहीं जा सकता है, उसका जो पैसा उसे मिलने का जो रिसोर्स का रास्ता है उसको बेटा बेटी लोग ले लेता है। बूढ़ा बूढ़े अनएम्प्लॉयड होकर के वो लोग का जो आदत खाना पीना का तो रह गया, तो ये लोग को ऐसा दर बहुत खुश होता है और उस हिसाब से मुझे ब्लेसिंग भी मिलता है। रह गया हमारा अनएम्प्लॉयड यूथ। अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए तो भारत सरकार से भी, स्टेट राज्य सरकार से भी बहुत सारा स्कीम है। स्कीम ये है कि एक तो स्वावलंबन योजना है, यहाँ में आपका एक एक इंडस्ट्री सेटअप कर सकता है, एक आप इंटरप्रेन्योरशिप में एक बहुत एक बड़ा काम करके आप एम्प्लॉयर बन करके एम्प्लॉय रख सकता है। उसके लिए गवर्नमेंट का 35% सब्सिडी है। अगर आप 1 करोड़ का प्रोजेक्ट पास कराता है तो 35 लाख तो गवर्नमेंट से फ्री मिलेगा। उसको छोड़ के फिर आत्मनिर्भर स्कीम है। आत्मनिर्भर स्कीम में आपका कृषि समूह योजना है, कृषि सजग योजना है, बागवानी योजना है, हॉर्टिकल्चर में, फिशरी में मत्स्य पालन योजना है, और आपका नील क्रांति योजना है। उसका बाद वेटनरी सेक्टर में आपका
ये गोटरी फार्मिंग होता है, पोल्ट्री फार्मिंग होता है, पिगरी फार्मिंग होता है। अभी एक एक गोटरी में हमारा यूथ लोगों को मालूम है ना नहीं है, 1 करोड़ का प्रोजेक्ट बना सकता है एक इंडिविजुअल। वो 1 करोड़ में 50 लेक्स जो है गवर्नमेंट का सीधा सब्सिडी होगा, लेकिन हमारा लोग जो है उसको अप्लाई नहीं करेगा, ऐसा घूमेगा लीडर का पीछे, हमको रिटर्निंग वाल दे दो, हमको कलवाट दे दो, हमको फ्लड कंट्रोल दे दो। ये सब टेम्प्रोरी चीज़ है, एक सस्टेनेबल काम करना चाहिए। तो ये सब का बेनिफिट लेकर के, खास करके मैं तो अपना डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को भी इंस्ट्रक्शन देता है कि आप उसका एज को वेरीफाई करो, एज जिसका सर्विस एलिजिबिलिटी, एज जिसका खत्म हो गया उसको प्रायोरिटी देना है, क्योंकि उसका सारा बिल्कुल नहीं है, वो बस्ती जाके खेती नहीं कर सकता, खेती जो बागान करेगा सोचने से भी इनका पास पैसा नहीं होता है स्टार्टअप के लिए। तो वो आदमी दिल लगा के काम करेगा क्योंकि उसका एक सर्विस का लाइन था खत्म हो गया। दूसरा है कि आप उसको फील्ड में जाके आप सर्वे करना पड़ेगा, वो एक फिशरी करने के लिए, फिश पॉन्ड बनाने के लिए सोच रखा है, एक एक एप्लीकेशन दिया है। फिशरी करने के लिए तो नंबर 1 आपको ज़मीन होना पड़ेगा, फिर ज़मीन है तो उसका फिर टेक्निकल फिजिबिलिटी पैरामीटर को देखना पड़ेगा, उसका पेरेनियल सोर्स है या नहीं है, ये एक क्वेश्चन आ जाता है। फिर उसका प्रोडक्शन होगा तो सेल करने का जगह होगा नहीं होगा, उसमें बैंक लोन जुड़ा है तो बैंक लोन को फिर रिटर्न देना पड़ेगा। ये सब को स्टडी करके अगर जिसका मतलब एक एक प्रोग्रेसिव फार्मर बनने का पोटेंशियल है, वो आदमी लोग को बेनिफिशियरी बनाओ, बना करके एक हम लोग एक प्रोडक्शन हब्स, मोदी जी का पॉलिसी जो है एक प्रोडक्शन हब्स होना है हमारा नेशन जो है, ताकि हम बाहर से इंपोर्ट नहीं करके हम यहाँ से एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करना शुरू करेगा जब प्रोडक्शन सरप्लस होगा तो ऑटोमेटिकली प्राइस अपने आप से रिड्यूस होगा। हम मार्केट में टोमेटो का इतना दाम, उस दाल का इतना, वो सुनना नहीं पड़ेगा क्योंकि प्रोडक्शन हमारा देश में ही सरप्लस होगा। फिर हम वो प्रोडक्शन को बाहर देश में भेजेगा, हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज का जो पैसा आना है हमारा देश में आएगा, हमारा जीडीपी खुद ब खुद ग्रो करेगा। तो गवर्नमेंट का ये पॉलिसी है कि सबको जो जो गवर्नमेंट नौकरी में मिला मिला, और जो नहीं मिला वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट में चला जाना है। तो उस स्टेट गवर्नमेंट का फ्लैगशिप प्रोग्राम है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का फ्लैगशिप प्रोग्राम है, सेंट्रल गवर्नमेंट में आपका वो मुद्रा योजना है, उसमें भी 1 करोड़ तो प्रोजेक्ट बना सकता है। तो ये सब है। उसके अलावा भी अगर लोगों ने मुझे 2024 में बिना खर्चा में अगर इलेक्शन कराता है तो मेरे पास में तो पैसा रहेगा, क्योंकि इलेक्शन होने से पैसा खर्चा होता है, वो आदमी को देता है वो बात अलग है, लेकिन मोबिलाइजेशन में आपका 3-4 करोड़ चला जाएगा, गाड़ी है, फिर ये आपका रैली है, उसका बाद में आपका पोस्टरिंग है, बैनर है, लोगों को मोबिलाइज करना है हर जगह, मतलब सभा करना है, तो उसमें मोबिलाइजेशन में आपका 4-5 करोड़ तो चला जाएगा, बाकी को चोर के। तो मेरा उपर, हम तो एक सीधा साधा आदमी है, मैं घूस घास खाता नहीं हूँ, मैं काम नहीं करता हूँ, तो मैं तो काम करके लोगों का डील जीतने में ही विश्वास रखता हूँ। तो फिर मुझे भी उधार लेना पड़ेगा लोग से, तो वो उधार को कहाँ से भरेगा, कि गवर्नमेंट का पैसे से तो भरेगा, किसी को कोई 5 लाख रुपया दिया तो उसको 20 लाख का काम देना पड़ेगा, जहाँ हमारा बिना पैसा में होना था वहाँ हम लोग को लाइबिलिटीज इतना हो जाएगा कि अगर हम 5 करोड़ उधार ले आओगे तो 50 करोड़ उसको गवर्नमेंट का जो काम पैसा है काम में देना पड़ेगा, जबकि वो प्रोडक्टिव नहीं होगा, वो किसी का वो बागान को बनेगा, किसी का ये घर का रास्ता बनेगा, वो पब्लिक यूटिलिटी में नहीं आएगा। ये सब चीज़ से अगर हम फ्री होता है तो पैसा तो बचेगा, गवर्नमेंट का जो जो स्कीम आता है, MLLN फंड है, और SIDF में हम लोग को फंड देता है, RE में देता है, वो फंड को हम लोग इनोवेटिव में लगा सकता है। इनोवेटिव में जहाँ फिशरी एक गवर्नमेंट से स्कीम आया, गवर्नमेंट का स्कीम होगा 2 लाख रुपया, 1 लाख रुपया बैंक लोन होगा, 1 लाख रुपया गवर्नमेंट का सब्सिडी होगा,
तो 2 लाख से तो एक फिशरी, एक फिश फार्म नहीं बना सकता है। तो हम अपना पैसा को वहाँ दबतेल करके 5 लाख रुपया उसको, आपका इसको अच्छा करो, तो वो तो 5-6 लाख रुपया मिल गया तो एक अच्छा एक फिश फार्म बना सकता है। तो ये सब करने का रास्ता है, वो तो हमारा लिकावली, 20th लिकावली का बोतार का हाथ में है। डेमोक्रेसी कंट्री है कि कौन लीडर को चुनेगा, कौन लीडर को नहीं चुनेगा। तो अगर मुझे आप भी का जो स्थिति रहेगा एक ही वॉइस में, नहीं इसको कंटिन्यूटी करने देना है करके अगर बोलता है, तो मेरे तरफ से भी जो इनोवेटिव अनएम्प्लॉयड, स्पेशली अनएम्प्लॉयड यूथ जो जिसका एज खत्म हो गया सर्विस एलिजिबिलिटी का, उसके लिए मैं कर सकता हूँ, मैं उसको वादा करता हूँ। सर, जाते जाते आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा। सर, वैसे तो आप कॉन्फिडेंट हैं कि इस बार भी आप जीतेंगे, तो सपोज़ अगर आप इस बार भी आप जीत जाते हैं, तो सर आप क्या मंत्री बनने की उम्मीद रखते हैं? मंत्री बनना तो वो तो श्योर प्योरली द प्रेरोगेटिव ऑफ चीफ मिनिस्टर होता है। तो हम लोग पहले जमाने में हमारा गालों का बीच में टग ऑफ वार था, मैं मंत्री बनेगा, ये भी मंत्री बनेगा, वो भी मंत्री बनेगा, इसलिए यूनिटी कोऑपरेशन बिल्कुल नहीं था। क्योंकि गालों गालों अरुणाचल में तो एक जो भी बोलो एक कॉमनल तो होता ही है। तो हम जितना भी गालों का इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो लेजिस्लेटर बनेगा, आपस में मिलकर रहना चाहिए। तो मिलकर रहने के लिए हम मंत्री में कंपटीशन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो मंत्री तो उसी को देता है जो मतलब आपका कैपेबल है, मंत्री उसी को देता है कि जो मतलब सारा गालो समाज को एक साथ बांध कर रख सकता है, बांध के मतलब उसको मिलजुल करके रह सकता है सबका साथ, उसका एक 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 सद्भावना, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो बोलता है वो बना के रख सकने वाला ऐसे आदमी को सेम सब चुनेगा। उसके लिए हम कोई मंत्री बनेगा मेरा कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं, मतलब ऐसा जब एमएलए बनेगा तो मंत्री के लिए मैं कोशिश करेगा, मैं बिल्कुल ये नहीं सोचा हूँ। बस मैं एमएलए बनना है, अपना क्षेत्र को डेवलप करना है और हमारा लोगों के लिए मैं जो काम आ सके, जो हमारा अनएम्प्लॉयड यूथ है उसको मैं अपलिफ्ट करके एक जिंदगी उसको बना सके, और खास करके हमारा जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर उसको अरुणाचल का बेस्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बनाना है। तो उसके लिए तो एक अच्छा लीडर लगेगा। मैं सबको आप लोग का माध्यम से बता देता हूँ कि जो लीडर सेल्फिश होगा वो कभी भी उसका प्लानिंग सही नहीं होगा। जो लीडर सेल्फिश नहीं होगा वो आदमी प्लानिंग को अच्छा करेगा, और जो प्लानिंग हम लोग आज करेगा आफ्टर 20-30 ईयर्स में भी आदमी याद रखना है कि उस जमाना का लीडर कौन था, उस जमाना का ऑफिसर कौन था, उस जमाना में ये प्लानिंग का कमिटी में कौन कौन मेंबर था, वो लोग को सैल्यूट करता है ऐसा बोलने तो हम लोग को प्लान करना। तो ये सब करने का हमको मौका मिलने से हो गया, हमको कोई मंत्री से दिलचस्पी नहीं, और मंत्री सीएम साहब किसी को भी देगा मैं इसका साथ खुशी खुशी मिलकर काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे बातें की, हमारे सवालों का जवाब दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, ये थे हमारे 28 निकालने कॉन्स्टिट्यूएंसी के ऑनरेबल एमएलए श्री कार्दो न्यूयॉर्क जी। तो हमारा मकसद यही है कि आप अपने लोकल विधायक को करीब से जाने, उन्हें पर के जांचे और जरूरत पड़ने पर सवाल भी पूछे। मैं जुंगर रिना आप सभी से विदा चाहूंगा। नमस्कार।